दिल्ली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। प्रीत विहार वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन शर्मा के चुनाव प्रचार में पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लावली, पूर्व विधायक और कृष्णा नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू ने जनसभा को संबोधित किया और चंद्रमोहन शर्मा को वोट देने की अपील की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन शर्मा को लड्डू से तोलकर अपना प्यार जताया। इस मौके पर अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के शासन और 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी के राज से दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार इस कदर फैला कि आज बिना रिश्वत के एक भी काम नहीं होता है। दिल्ली की सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। दिल्ली के लोग प्रदूषण से परेशान हैं। ईमानदारी का दावा कर दिल्ली की सत्ता में पहुंचे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दिल्ली की जनता इससे तंग हो चुकी है। लवली ने कहा कि उसे पूरी उम्मीद है कि चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और बीजेपी से तंग आ चुकी है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। देखिए, दिल्ली की जनता जो है वो पूरी तरीके से त्रस्त है आम आदमी पार्टी के शासन से, और जो है पिछले 15 सालों के भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में राज पे। आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि किसी इंसान को अपने मकान पे एक ईंट भी लगानी हो तो बिना जेई बिल्डिंग और निगम पार्षद की इंटरफेरेंस के वो अपना मकान भी नहीं बना सकता। तो पूरी सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है, दिल्ली पॉल्यूटेड है। जो लोग ये दावा करके आए थे कि वो ईमानदारी के पुजारी हैं, आज भ्रष्टाचार में जिस तरीके से लिप्त हैं लोग, उनसे तंग आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में लोग अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देंगे। लेकिन कूड़े पर राजनीति हो रही है, हर चीज पे राजनीति हो रही है। लक्ष्मी जी पे और गणेश जी, भगवान गणेश जी पे और लक्ष्मी जी पे राजनीति हो रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि ये लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, लोगों की दुख चिंता से, महंगाई से, लोगों की सहूलियतों से इनका कोई सरोकार नहीं है, यही हम कहना चाहते हैं। दिल्ली की जनता तक, मतदाता तक पहुंचा पाए। अब हम जो गली गली में मीटिंग कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, और उम्मीद करेंगे आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों की बात पहुंचाएं। देखिए, मेरा प्रचार मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ चल रहा है। मैं उन मुद्दों को लेकर प्रचार कर रहा हूँ जो मेरे लोगों को उससे प्रॉब्लम है। आज जहाँ भाजपा डबल इंजन की बात करती है, आज वहाँ पर चार इंजन का प्रीत विहार के अंदर है। सेंटर में भाजपा, निगम में भाजपा, सांसद भाजपा का और विधायक भाजपा का। उसके बाद प्रीत विहार के अंदर डेवलपमेंट ना हो तो जवाब भाजपा को देना है, क्योंकि भाजपा ने डबल इंजन का कहकर सत्ता हासिल करी तो चार इंजन होने के बाद प्रीत विहार के वार्ड के अंदर समस्या क्यों रही, जवाब दो। उसके बाद एक मुख्यमंत्री है, चेहरा चमकाते हैं, एडवर्टाइजमेंट 274 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, अपने बजट से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और उनको समस्याओं का अंबार नहीं लिखता, आम आदमी बनकर वोट ले लेते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की समस्या को हल नहीं करते, जवाब उन्हें भी देना पड़ेगा। आज खुद लवली और जो नसीब सिंह जो विधायक हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद रहे हैं, आपके लिए कैंपेन किया। देखिए, पूर्व विधायक नसीब सिंह जी का ये क्षेत्र है और पिछले 15 वर्षों में वो यहाँ के विधायक रहे और उन्होंने उन विधायकों विधायक होते हुए इस क्षेत्र में डेवलपमेंट की मिसालें कायम करी। हमारे पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली जी का भी इसके अंदर बहुत योगदान रहा, जैसा कि इस क्षेत्र के अंदर हमने लड़कर मोनोरेल लाने की बात करी थी तो मोनोरेल की फाइल तैयार रही, उस मोनोरेल की फाइल को बंद किसने करा, केजरीवाल सरकार ने। एक नीति के अंदर परवाना रोड के लगते एक नाला भाग करता था, उस नाले के ऊपर जो डिस्कलर रोड बनाई गई डॉक्टर वालिया और नसीम जी के थ्रू, उसका तो मजाक ये लोग उड़ाते थे, लेकिन आज उसी के ऊपर तंगा चढ़ा के जाते हैं। तो इन लोगों ने सिर्फ एमसीडी के अंदर करप्शन किया है। 15 साल में अगर करप्शन ना किया होता तो आज इनको मोदी जी के चेहरे की जरूरत ना होती, ये अपने रिपोर्ट कार्ड लाते और एक विधायक को जो पार्षद है उसे टिकट देते। क्यों नहीं 204 वार्ड की जो पार्षद है उसको ला के खड़ा करा जा रहा, उससे क्यों नहीं पूछवाया जा रहा लोगों के सामने, वो अपने नए पार्षद के साथ खड़े होकर क्यों नहीं वोट मांग रही, क्यों ही कांग्रेस के उम्मीदवार नसीब सिंह अपने पार्षद के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्यों गुरचरण सिंह राजू वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी छवि साफ है, उनका कैंडिडेट भी साफ है, जिनों के ऊपर लांछन लगे हैं वो ठर रहे हैं। आज समर्थकों ने लड्डुओं से भी तोला। देखिए, लड्डुओं से तोला तो मेरा ये जन्म स्थान है और मेरे जितने भी ये साथी हैं, मेरे हम उम्र भी और बुजुर्गवार मेरे पिता तुल्य हैं, ये उनका प्यार था जो मुझे मिला है, मैं नतमस्तक उसको स्वीकार करता हूँ और साथ में ये भी बोलता हूँ कि क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता होगी और अगर उस प्राथमिकता में मेरा स्वार्थ मेरे इस गुरु अंगन नगर लक्ष्मी मार्केट के लिए होगा तो मैं किसी से धोखा नहीं करूँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।